अगला है आपका ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस मतलब कौन कौन सी अकाउंटिंग है। देखो जो आप 11th में पढ़ रहे हो आपका, वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अपना बुक बंद करके देखना तो वहां पे लिखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा होगा वहां पे। इसके अलावा दो और अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो थोड़ा सा समझ लेते तीनों के बारे में, ये आपको बहुत आगे पढ़ने को मिलेगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कॉलेज के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, किसी बिजनेस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम यही होता है, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड मेंटेनिंग द मतलब कहते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एनी बिजनेस। किसी बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना और बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना, ये काम हम यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ पढ़ भी रहे हैं। हमें यही पढ़ना है यहाँ पे कि किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, बिजनेस के ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन बताना, ये सारा काम जो भी है जो हम पढ़ेंगे पूरे साल में वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। बट इसके अलावा दो और अकाउंटिंग होती है, एक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, देखो नाम से कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे मेरा बिजनेस है मान लो ये पेन बेचने का, तो पेन बेचने तक का जो भी हिसाब किताब है उससे जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ फाइनेंशियल में। लेकिन इस पेन को बनाने में मेरी कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल रही है, किस हिसाब से मैं प्राइस तय करूँ, ये भी तो मुझे कहीं ना कहीं से जानना पड़ेगा। तो वो काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट निकालना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट हुई, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग काम ही यही है, प्रोडक्ट में लगने वाली जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल, मतलब फालतू जो कॉस्ट लगे उसको कंट्रोल। जब कॉस्ट निकालोगे तभी तो पता चलेगा ना कि ये फालतू लग रहा है। जब आप कॉस्ट निकालने गए तो देखा कि इस पेन को बनाने के लिए 3 लेबर की जरूरत है, लेकिन वहाँ पे 5 लेबर बैठे रहते हैं, 2 बैठ के फोन चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपने 2 लेबर को यहाँ नहीं रखना, उधर चल, तो 2 लेबर की कॉस्ट बच गई, तो कॉस्ट कंट्रोल हुआ, कॉस्ट रिडक्शन हुआ। ऐसा बहुत कुछ है डिटेल, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से डीप जान पाओगे। फिलहाल मोटा मोटा जानो किसी बिजनेस का कॉस्ट, मतलब फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो निकाली जाती है वो किस में निकाली जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो इसका पर्पज ही होता है कॉस्ट निकालना और कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, ये काम होता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो आप पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट जो होता है जिसका काम होता है डिसीजंस मेकिंग का, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद डिसीजंस लेने का जो भी काम होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ये आप बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहाँ पे हम 2-3 तरह के 4 अलग अलग अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद डिसीजंस लेंगे कि हमें ये अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए। तो डिसीजंस मेकिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो एक ब्रॉड हो गया क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की नॉलेज चाहिए, फाइनेंशियल वाले को सिर्फ फाइनेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, वो कर लेगा काम, कॉस्ट को कॉस्ट के बारे में, लेकिन मैनेजमेंट को दोनों का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो डेट्स वाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग सुपीरियर देन बोथ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको काम करना है, तो सीनियर स्टाफ्स होंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये 3 तरह की अकाउंटिंग के ब्रांचेस होते हैं, क्लियर हो गया तक।